वही रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र से दो चचेरी बहनों के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों दोनों बहनें अपने घर से जीडीसी कॉलेज रीवा के लिए निकली थी, लेकिन कॉलेज से लौटते समय रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। कहा जा रहा है कि कॉलेज से लौटते समय उन दोनों को मंदिर के समीप बैठे देखा गया था। काफी खोजबीन के बाद कुछ भी पता नहीं चला, तो परिजनों ने गुड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। एक सप्ताह बीत जाने के बाद जब पुलिस नहीं खोज पाई, तो परिजनों ने हताश होकर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर बेटियों के ढूंढने की गुहार लगाई। परिजनों ने बताया कि 22 अप्रैल को दोनों बेटियां अपने घर से जीडीसी कॉलेज रीवा के लिए निकली थी। करीब 7 दिन बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा। उनके साथ में पढ़ने वाली उनकी सहेली ने उन्हें बताया कि कॉलेज गई थी। कॉलेज से लौटते समय दोनों कॉलेज के समीप एक मंदिर में बैठे देखी गई थी। उसके बाद कहाँ गई इसका कुछ नहीं पता। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटियों का अपहरण हुआ है। बच्चियों की का पिता का कहना है कि वो कॉलेज आई हुई थी रीवा, जीडीसी कॉलेज आई थी, उसके बाद वो घर नहीं पहुंची और फ़ोन जो है बंद रहा है। उसके आधार पे विवेचना में जो भी तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पे कार्रवाई की जा रही है। अभी तक बच्चियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मोबाइल फ़ोन जो है बंद है, साइबर सेल से जानकारी निकाल कर और भी जो SOP के आधार पर जितने भी पॉइंट्स रहते हैं उसके आधार पर कार्रवाई करके पता तलाश किया जा रहा है।